राहुल जी गांधी साहब का स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय रामलाल जी जार साहब, आदरणीय धीरज जी गुजर साहब, आदरणीय कैलाश जी त्रिवेदी साहब, आदरणीय मनीष जी मेवाड़ा साहब, अनिल जी डांगी साहब सूत की माला पहनाकर स्वागत करेंगे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। आप सब लोग इतने समय से इंतजार कर रहे हो, हमारे लाडले नेता सम्मान्य राहुल जी गांधी, अशोक जी गहलोत साहब, सचिन जी पायलट साहब, पांडे साहब सभी हमारे बीच में आ चुके हैं। अब मैं श्रीमान हमारे जन जन के नेता, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सम्मान्य गहलोत साहब से निवेदन करूंगा कि आप आए और हमें आशीर्वचन दें। हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट जी, सेक्रेटरी आईसीसी तरुण कुमार जी, जिला अध्यक्ष रामपाली शर्मा, हमारे प्रत्याशीगढ़ मांडर से रामलाल जाट, कैलाश त्रिवेदी जी साड़ा, धीरज गुजर जी जाजपुर, महावीर जी मोची शाहपुरा, अनिल डांगी जी भीलवाड़ा, मनीष जी मेवाड़ा आशिंद, विवेक जी ठाकर मांडलगढ़, पूर्व विधायक प्रदीप कुमार सिंह जी हंगामी लाली मेवाड़ा साहब, यहाँ बहुत से हमारे नेता बैठे, वरिष्ठ नेतागण, उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से हमारे महबूब नेता राहुल जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे खुशी है कि भीलवाड़ा की धरती पर फिर आए हैं, उनका एक संदेश है पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को। आज जो माहौल बनाया है पिछले 5 साल में, चाहे मोदी गवर्नमेंट हो चाहे वो राज्य सरकार हो, जिस रूप में घृणा का, नफरत का, हिंसा का माहौल बना है, वो चिंता का विषय हम सबके लिए होना चाहिए। राहुल जी चाहते हैं कि राजनीति में हमारी कोई पुरानी अदावत किसी से नहीं है, ना कोई दुश्मनी है। हमारी विचारधारा, हमारे सिद्धांत, हमारी नीतियाँ जो महात्मा गांधी के जमाने से चली आ रही है, पंडित नेहरू थे, सरदार पटेल थे, मौलाना आजाद थे, डॉक्टर अम्बेडकर साहब थे, उस वक्त संविधान बना, लोकतंत्र जो आज वोटों का राज है, ये आप जो बैठे हुए मीटिंग हो रही है, ये कायम किया तो कांग्रेस ने किया है। गरीब का अमीर का एक वोट है, इसलिए गरीब का भी मान सम्मान कायम है देश के अंदर, बड़े से बड़े नेता को भी उसके सामने झुकना पड़ता है। इधर राहुल जी चाहते हैं कि राजनीति हो तो नीतियों के आधार पर हो, सिद्धांतों के आधार पर हो, कार्यक्रम क्या देना चाहते हैं देश के लिए उसके आधार पर हो। दुर्भाग्य से आज सत्ता में बैठे लोगों का विश्वास नहीं लोकतंत्र में, फासिस्टी लोग हैं, आप देख रहे हैं किस प्रकार से वे तमाशा कर रहे हैं, मुद्दाधारी राजनीति नहीं कर रहे हैं, नॉन इश्यू को वो इश्यू बना रहे हैं और अपना काम चला रहे हैं। 5 साल की उपलब्धियां कहने में कुछ भी नहीं है, ना मोदी जी के पास में है, ना वसुंधरा जी के पास में है, तो करे तो क्या करे। इसलिए वो नॉन इश्यू को इश्यू बना के राजनीति में उतरना चाहते हैं चुनाव के मैदान में। उनकी एक नहीं चलने वाली है, जनता ने फैसला कर लिया है, इस बार भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। आप सब में बैठे हुए हैं, आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि कोई कमी नहीं रखें, तमाम हमारे उम्मीदवारों को कोई कसर नहीं छोड़ करके
सबको भारी बहुमत से कामयाब करें, फिर आप देखेंगे आपके पुराने दिन लौट आएंगे। सरकार की जो योजनाएं उस जमाने में थी, जो एमएलए आपके थे, मैं मुख्यमंत्री था, मुझे याद है, एमएलए ने जो काम मांगा हमने उनको दिया। एमएलए मांगता मांगता थक गया और मैं देता देता नहीं थका था, मुझे आज भी याद है। उस रूप में वहां पर काम शुरू होंगे राजस्थान के अंदर। हम चाहेंगे कि चौमुखी विकास हो। किस प्रकार का अन्याय किया, अत्याचार किया, लापरवाही की वसुंधरा जी ने, सब आपको मालूम है। 5 साल में क्या किया, एक उपलब्धि बता दी वसुंधरा राजे जी। हमारे वक्त में आपके यहाँ कोच फैक्ट्री लग रही थी, सोनिया गांधी जी आई थी, उसका तो पता नहीं है। चंबल से पानी लेके आए थे, कितनी बड़ी चुनौती भरा काम था। पहले बजट में मैंने घोषणा करी, बीजवाड़ा को चंबल के पानी जोड़ेंगे। हम जोड़ के रहे, बाद में जो गांव गांव तक पानी पहुंचाना था, आज तक इसकी में ठप पड़ी। 5 साल में कुछ नहीं हो पाया। इसलिए अब जब गौरव यात्रा निकालती वसुंधरा जी, तो हमने कहा वसुंधरा जी, ये आपकी गौरव यात्रा नहीं है, ये आपकी विदाई यात्रा है। विदाई यात्रा दिमाग के अंदर, इसलिए आप दिमाग में रख के चलो। 5 साल में उनको देख लिया, तमाम हमारी स्कीमों को बंद कर दिया। बड़े बड़े प्रोजेक्ट जैसे आपके यहाँ कोच फैक्ट्री थी, बाड़मेर में था रिफाइनरी, बड़ा प्रोजेक्ट था, आदिवासियों में थी रेल बिछाने का काम शुरू हो गया था, उसको बंद कर दिया। जयपुर का मेट्रो का पता नहीं, करौली टोंक जुड़ने जा रहे थे रेलवे से, पता ही नहीं क्या हुआ। और बांध बना था सिंचाई के लिए, अड़ोती में डिले कर दिया। कहने का मतलब ये कि सरकार बदलने के साथ साथ में वसुंधरा जी जो काम बंद किए, जन कल्याणकारी योजना को ठप किया, आज जनता पूछती है कि हमारा कसूर क्या था। इतना भारी बहुमत आपको दिया हमने और आपने हमें निराश किया, ना काम किया अपेक्षा अनुरूप। कानून व्यवस्था की थी चौपट, नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार। बड़े बड़े अधिकारी जेल चले गए थे आईएएस लेवल के, उनको बचा लिया, उनको प्रमोशन दे दिया। बजरी माफिया ने लूट लिया पूरे प्रदेश के अंदर, लोगों को इलीगल माइनिंग होती गई, खनन होता गया, पैसा ऊपर तक पहुंचता गया। वही पैसा चुनाव में हमारे खिलाफ में यूज हो रहा है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको। इसलिए भाइयों और बहनों, मैं आपका आह्वान करूंगा कि राहुल जी ने पिछले 3 महीने में लगातार दौरे करके जो फिजा बनाई राजस्थान के अंदर, आज माहौल बन चुका है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़, अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, करौली, कोटपुतली, बाड़मेर, जैसलमेर, जहां जाते हैं हम लोग, शानदार माहौल है कांग्रेस पक्ष के अंदर। सरकार कांग्रेस की बनेगी, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। अब आपके ऊपर है, भीलवाड़ा के इतिहास दोहराओ आप लोग, कोई जमाने में सब चीजें हम जीतते थे, उसी रूप में यहां पर आप कामयाब करो, ये बात आशीर्वाद करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। राजस्थान के युवाओं की धड़कन और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सचिन जी पायलट साहब से निवेदन करूंगा कि वो हमें आशीर्वचन प्रदान करें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, एआईसीसी के महासचिव, इस प्रदेश के प्रभारी सम्मान्य अविनाश पांडे जी, पूर्व मुख्यमंत्री सम्मान्य अशोक गहलोत साहब, तरुण कुमार जी, जिला अध्यक्ष महोदय, सभी यहाँ पर हमारे प्रत्याशीगण बैठे हैं भीलवाड़ा जिले के, रामलाल जी, रामपाल जी, त्रिवेदी जी, महावीर जी, धीरज गुर्जर साहब, हमारे अनिल डांगी साहब, विवेक धाकड़ जी, सभी इस सभा में पधारे हुए आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, अब समय दूर नहीं है। 5 साल का लंबा इंतजार जो आपने हमने मिलकर किया, जनता की नाराजगी निराशा जो हमने 5 साल तक सहन करी, अब उसका समापन होने जा रहा है। 7 तारीख को कांग्रेस के पक्ष में आप लोग वोट करें, ये निवेदन करने के लिए आज राहुल गांधी जी यहां उपस्थित हुए हैं। और भीलवाड़ा की ये वीर भूमि है, यहां के लोग जब मन बना लेते हैं तो कितना कोई भाषण दे ले, कोई जुमले दे ले, झूठे वादे कर दे, लेकिन यहां के लोग जब मन बना लेते हैं तो पूरा आशीर्वाद देते हैं और छप्पर फाड़ के देते हैं। ये भीलवाड़ा के लोगों की खूबी है।
पांच साल से वसुंधरा जी की सरकार रही, हर क्षेत्र में लोगों के साथ धोखा किया, जनता ने बहुमत देकर भेजा था लेकिन बहुत बड़ा विश्वासघात लोगों के साथ किया। आपकी सरकार केंद्र में रही, आपकी सरकार राजस्थान में रही और 165 विधायक जीत कर गए थे। उन 165 विधायकों में से अनेकों विधायकों के टिकट काट दिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, तो किस मुंह से वो जनता के भरोसे वोट मांगने जाते हैं। ये पांच साल की सरकार ने लगातार हमारे आदिवासी भाई, पिछड़े वर्ग के लोग, दलितों, महिलाओं पर अत्याचार किया, उत्पीड़न किया। प्रतिदिन राजस्थान में 12 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है और हमारी प्रदेश की मुख्यमंत्री एक महिला है। उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि पांच साल में आपने राजस्थान को कहां पर लाके खड़ा किया है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, नौजवान दर दर भटक रहे हैं और पांच साल में कुछ ना करने के बाद एक बार फिर बीजेपी ने एक झूठ का पुलिंदा अपना मैनिफेस्टो रख दिया। कहा सड़कें बनाएंगे, रोजगार देंगे, भत्ता देंगे। अरे पांच साल तक आपने क्यों नहीं किया? पूरी ताकत आपके पास थी, पूरी सत्ता आपके पास थी। ना प्रधानमंत्री जी यहां पर आए, ना वसुंधरा जी ने झांक कर देखा। और साथियों, आजकल राजस्थान के बाहर के बड़े बड़े नेता भाजपा के यहां पर आ रहे हैं। अमित शाह जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो पिछले 22 दिनों से उत्तर प्रदेश गए नहीं, यही घूमे जा रहे हैं राजस्थान मध्य प्रदेश में। कभी हनुमान जी की जाति बताते हैं, कभी किसी भगवान का नाम लेते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जब राजस्थान के लोग तड़प रहे थे, यहां सूखा पड़ा, अकाल पड़ा, लोगों ने आत्महत्याएं करी, तब भाजपा के नेताओं के पास वो समय नहीं था कि लोगों के आके आंसू पहुंचे। अब वोट बटोरने के लिए पहुंच गए। खाद की, बीज की, बिजली की, नौकरी की, शिक्षा की, चिकित्सा की बात नहीं करनी, जाति की, धर्म की, मंदिर की, मस्जिद की, इन बातों को कर जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी ने संकल्प ले रखा है, पिछले 2.5-3 महीने से प्रदेश के अंदर भाजपा की नींद उड़ी हुई है, उन्हें पता नहीं पड़ रहा कि अपनी जमानत कैसे बचाएं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे अध्यक्ष जी का, जिन्होंने आकर भ्रष्टाचार में सरकार को घेरा, प्रधानमंत्री जी को घेरा और पूरी भारतीय जनता पार्टी की सांस ऊपर नीचे हो रही है, क्योंकि वो जानती है कि ना सिर्फ राजस्थान लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, हर जगह बीजेपी का सूपड़ा साफ होने वाला है और प्रचंड बहुमत लेकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं तमाम कार्यकर्ताओं का। आप लोगों ने शानदार मेहनत कर जनता की आवाज बनकर आज कांग्रेस पार्टी को इस मुकाम पर पहुंचाया है। आप लोगों के खून पसीने की मेहनत, जनता का आशीर्वाद निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत देने वाला है। मैं इस पावन धरती पर, भीलवाड़ा की इतिहास माटी में राहुल गांधी जी का स्वागत करता हूं। जोरदार तालियां बजाकर राहुल जी का स्वागत करिए। और आपसे अंत में निवेदन, सारी बातें भूलकर 36 कौम के लोग, चारों धर्म के लोग, ये हाथ का निशान हमारी कांग्रेस की पहचान है, बटन दबाकर भारी बहुमत से सभी उम्मीदवारों को जिताकर भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। सा जिनका आप इंतजार कर रहे थे, पूरे संसार की जिन पे निगाह है और आने वाले समय में इस देश का जो नेतृत्व करेंगे, हमारे लाडले सम्मान्य राहुल जी गांधी साहब से निवेदन करूंगा कि वो पधारे और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। अविनाश पांडे जी, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, रामपाल शर्मा जी, तरुण कुमार जी, हमारे कैंडिडेट्स रामलाल जाट जी, कैलाश त्रिवेदी जी, धीरज गुजर जी, महावीर मोची जी, अनिल डांगी जी, मनीष मेवाड़ा जी और विवेक धाकर जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाई और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों और कांग्रेस पार्टी के अलग अलग संगठनों के हमारे सब मेंबर, सेवा दल, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, आप सबका मैं यहां दिल से स्वागत करता हूं। और जो लोग राजस्थान में
इस भाषण को सुन रहे हैं, आपका भी मैं यहां आज स्वागत करता हूं। हिंदुस्तान के सामने, राजस्थान के सामने दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या युवाओं को रोजगार दिलवाने की समस्या, और दूसरी किसानों को एक अच्छा भविष्य दिलाना। ये दो काम देश के सामने, शांत हो जाएं भैया, ये दो काम हैं देश के सामने, एक प्रकार से चैलेंज है। कुछ दिन पहले यहां राजस्थान में चार युवाओं ने मिलकर आत्महत्या की, कारण रोजगार। मैसेज दिया उन्होंने, चार युवाओं ने आत्महत्या करके वसुंधरा जी को और प्रधानमंत्री को मैसेज दिया कि आप हिंदुस्तान को रोजगार नहीं दिला पाए हो, हमारे लिए इस देश में भविष्य नहीं बचा, अब हम आत्महत्या कर रहे हैं। यह उनका मैसेज था और यह वसुंधरा जी के लिए था और प्रधानमंत्री जी के लिए। पब्लिक मीटिंग में एक महिला ने राजस्थान के चीफ मिनिस्टर से सवाल पूछा और उनको कहा, क्या किया आपने, मेरे बेटे को रोजगार नहीं मिला, क्या किया आपने राजस्थान को रोजगार दिलवाने के लिए। और दुनिया के सामने राजस्थान के युवाओं, आप इसको अच्छी तरह सुनो, दुनिया के सामने, आपके सामने राजस्थान के चीफ मिनिस्टर जवाब नहीं दे पाई। प्रधानमंत्री की मीटिंग में उनसे सवाल नहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि अगर कोई सवाल पूछ लेगा पुलिस वालों से पिटाई करा देंगे। मगर यही सवाल राजस्थान के हर युवा के दिल में है, क्या इस देश में मेरा भविष्य है, हां या ना, क्या इस देश में मुझे रोजगार मिल सकता है, हां या ना, क्या मेरा प्रधानमंत्री, मेरी चीफ मिनिस्टर ये काम कर सकते हैं, हां या ना। और पिछले 5 सालों में उनको एक ही जवाब मिला है, ना प्रधानमंत्री ना राजस्थान की चीफ मिनिस्टर ये काम कर सकते हैं। चाइना 50,000 युवाओं को 24 घंटे में रोजगार देता है, हिंदुस्तान की सरकार उसी 24 घंटे में पूरे देश में 450 युवाओं को रोजगार दे पाती है। मजाक है, देश का हर युवा तड़प रहा है, घबराया हुआ है, और जहां भी प्रधानमंत्री जाते हैं मन की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी, वसुंधरा जी, हिंदुस्तान के युवाओं की मन की बात सुनिए, उनके मन में सिर्फ एक सवाल है, उनको रोजगार दीजिए। अब अगर प्रधानमंत्री, मान लो देश के चौकीदार रोजगार देने का काम, अगर देश के चौकीदार रोजगार देने का काम नहीं कर पाते, अगर वसुंधरा जी नहीं कर पाती और नुकसान नहीं करते, तो शायद जनता सह लेती। मगर जो पहले चल रहा था,
जो हमारे छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी, मिडिल साइज बिजनेसमैन, छोटे बिजनेस चलाने वाले लोग जो रोजगार दिलवा रहे थे, उनको भी नरेंद्र मोदी जी ने बर्बाद किया, खत्म किया, चोट मारी। भीलवाड़ा का उदाहरण देना चाहता हूं, 1000 कपड़े बनाने वाले यूनिट यहां थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या नोटबंदी से इनका फायदा हुआ या नुकसान? क्या जीएसटी से इनका फायदा हुआ या नुकसान? भीलवाड़ा में कितने यूनिट बंद हुए? लाखों लोगों को नरेंद्र मोदी ने अपनी पॉलिसी से बेरोजगार किया। और जब उनसे सवाल पूछा जाता है, नोटबंदी के बारे में पूछा जाता है, तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं जाकर पकौड़े बनाओ। जाकर पकौड़े बनाओ। चाइना मोबाइल टेलीफोन बनाए, हवाई जहाज बनाए, कैमरा बनाए, शर्ट पैंट बनाए और हिंदुस्तान की जनता पकौड़े बनाए। और क्या किया भाइयों और बहनों, आपको लाइन में खड़ा किया नोटबंदी में। और ये जो माताएं बहनें आई हैं, आपको लाइन में खड़ा किया, आप सब लाइन में खड़ी थी, बैंक के सामने आप सब खड़ी थी, आपके घर में जो पैसा था, जो आपने मेहनत से बचा कर रखा था, उसको नरेंद्र मोदी जी ने आपके आपसे छीना, आपका पैसा बैंक में गया, गया ना? और 3 महीने के बाद हिंदुस्तान की माताओं और बहनों का पैसा नीरव मोदी के जेब में गया और नीरव मोदी लंदन गया। विजय माल्या, माताएं बहनों, 10,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की माताओं का, बहनों का, 10,000 करोड़ रुपए विजय माल्या चोरी करके ले गया, लंदन भाग गया। मेहुल चौकसी, अनिल अंबानी, ललित मोदी, नहीं, ललित मोदी का तो चीफ मिनिस्टर के बेटे के साथ 10 करोड़ वाला रिश्ता है। ललित मोदी ने चीफ मिनिस्टर के बेटे के बैंक अकाउंट में 10 करोड़ रुपए डाले। आपसे छीना, छोटे दुकानदारों से छीना, छोटे व्यापारियों से छीना और हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट लोगों के जेब में डाला। जय शाह, ये नाम आप सब जानते हो। अगर ये पैसा, ये जो लड़की खड़ी है आपको बैठी है, आपका नाम क्या है? हां, आपका, आपका, हां तुम्हारा, अरे शर्माओ मत, बोलो क्या नाम है तुम्हारा? अंजलि। देखिए, 35,000 करोड़ रुपया नीरव मोदी जैसे चोर को हिंदुस्तान के बैंक का पैसा नरेंद्र मोदी ने दिलवाया। अंजलि देश की भविष्य है, इसको हिंदुस्तान के बैंक ने कितना पैसा दिया? इसको कितना पैसा दिया हिंदुस्तान के बैंक ने? इसने क्या गलती की है? इसका नाम नीरव मोदी नहीं है, इसका नाम अनिल अंबानी नहीं है, इसका नाम विजय माल्या नहीं है, इसका नाम अंजलि है। मगर अगर बैंक का पैसा इसको दे दिया होता, 10-15-20 लाख रुपए अंजलि को दे दिए होते, तो अंजलि अपना छोटा सा बिजनेस बनाकर विजय माल्या से ज्यादा राजस्थान के युवाओं को रोजगार देती। मगर नरेंद्र मोदी जी इनकी बात नहीं सुनेंगे। बैठ सकती हो अंजलि। नरेंद्र मोदी युवाओं की बात नहीं सुनेंगे, अंजलि की बात नहीं सुनेंगे, सिर्फ अनिल की बात सुनेंगे। ये अनिल कौन है? इसका पूरा नाम क्या है अनिल का? अनिल अंबानी।
अब इसने क्या किया, इसने जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया, इसके सब बिजनेस एक के बाद एक फेल होते हैं। टेलीफोन का बिजनेस चालू किया, वो भी खत्म हो गया। रिलायंस उसकी कंपनी ठप हो रही है, मगर अंजलि को एक रुपया नहीं मिलेगा, अनिल अंबानी को 45,000 करोड़ रुपए कर्जा मिलेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड सरकारी कंपनी से राफेल हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया जाएगा। राफेल कंपनी, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड सरकारी कंपनी ने 3,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की सरकार को दिए, इसने 45,000 करोड़ रुपए कर्जा छीना है, लिया है, वापस नहीं देता है। जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया, नरेंद्र मोदी जी इसको पेरिस ले गए, राफेल हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट बदला। फ्रांस के राष्ट्रपति को बताया, अंजलि तुम ये बात जानती हो, फ्रांस के राष्ट्रपति को नरेंद्र मोदी ने बताया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। 126 हवाई जहाज नहीं खरीदे जाएंगे, 36 खरीदे जाएंगे। हिंदुस्तान में हवाई जहाज नहीं बनेगा, फ्रांस में बनेगा, नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति को बताया। फ्रांस के राष्ट्रपति ने अंजलि दुनिया की प्रेस को बताया, दुनिया की प्रेस को फ्रांस के राष्ट्रपति ने बताया। तुम्हारे भविष्य का पैसा 30,000 करोड़ रुपए अंजलि नरेंद्र मोदी ने स्वयं अनिल अंबानी के जेब में डाला है, इसीलिए नया नारा चला है। देखो अंजलि ताली बजा रही है, इसलिए नया नारा चला है। पहले नारा हुआ करता था अच्छे दिन, मोदी जी कहते थे, जनता कहती थी आएंगे अच्छे दिन आएंगे। अब नया नारा चला है, अंजलि सुनो, चौकीदार चौकीदार चौकीदार, यह है सच्चाई। और नुकसान, नुकसान आपका, छोटे दुकानदारों का, गरीब जनता का। चौकीदार ने, अंजलि चौकीदार ने 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 सबसे बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया है। तुम्हारा कितना कर्जा माफ किया है? एक रुपया नहीं। किसानों का अंजलि कितना कर्जा माफ किया है? देखो हर महिला कह रही है एक नहीं, एक रुपया नहीं। 15 लोगों का 3,50,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के किसान का, जो सुबह उठकर 4 बजे काम करता है, पूरे परिवार को ले जाके काम करता है, उसका कर्जा माफ नहीं किया, उसको सही एमएसपी नहीं देते, उसका बोनस छीन लिया। अच्छा, उसे कहा कि नई बीमा की योजना चालू करेंगे, और पूरे देश को अंजलि नरेंद्र मोदी जी ने अलग अलग बड़े बिजनेसमैन को पकड़ा दिया। बीमा के लिए अनिल अंबानी को 5-6 डिस्ट्रिक्ट इस प्रदेश में, 5-6 डिस्ट्रिक्ट उस प्रदेश में, 5-6 डिस्ट्रिक्ट उस प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में पूरा का पूरा अनिल अंबानी को बीमा दे दिया। बाकी बिजनेसमैन को अलग 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 प्रदेशों में अलग डिस्ट्रिक्ट बांट दिए। और जब किसान का नुकसान हुआ, जब आंधी आई, तूफान आया, सूखा पड़ा, किसान ने अपना पैसा जमा किया था, किसान को बताया गया कि भैया आपने जो पैसा जमा किया वो अब आपका नहीं है, वो अब अनिल अंबानी का है, हिंदुस्तान के सबसे अमीर 15-20 लोगों का है, आप जाके अपने घर में रोइए, और अगर आपको आत्महत्या करनी है तो आप आत्महत्या भी कर लीजिए। ये है नरेंद्र मोदी जी और वसुंधरा जी का राज, और इसको हम बदलना चाहते हैं। अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी स्टेज पे जो कांग्रेस के नेता हैं, हम इसको बदलना चाहते हैं। कैसे बदलना चाहते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले किसान की मदद करके, कर्जा माफी करके। और हमने कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी 3,50,000 को दुनिया की इकोनॉमी से जोड़ देंगे
उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट में आप कुछ ना कुछ करते हो, जैसे यहां हमने कहा भीलवाड़ा में कपड़े का बिजनेस 1000 यूनिट्स हुए करते थे। बैंक के दरवाजे हम इन छोटे छोटे कारीगरों के लिए, व्यापारियों के लिए, बिजनेस वालों के लिए खोलेंगे। जो नरेंद्र मोदी जी ने 15 लोगों को दिया, हम राजस्थान में करोड़ों लोगों के लिए बैंक के दरवाजे खोलेंगे। और फिर दो चीजें बची, फूड प्रोसेसिंग प्लांट से, बैंक के दरवाजे खुलने से युवाओं को राजस्थान में रोजगार मिलेगा। मगर दो कमियां बचेंगी। एक कमी अंजलि जैसे लड़कियों के भविष्य की, कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल की। आज राजस्थान में सारे के सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज प्राइवेटाइज कर दिए हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में कर दिए हैं। हम सरकार का पैसा, आपका पैसा, हाई क्वालिटी सरकारी कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटी, सरकारी स्कूल में डाल देंगे कि आप, आपके बेटे बेटियां कम से कम पैसा देकर डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर बन पाए। और जो एचएल में राफेल का कॉन्ट्रैक्ट था, हवाई जहाज बनाने वाला, आपके बेटे भी बेटियां भी हवाई जहाज बनाने का काम कर पाए। और दूसरी बात, गहलोत जी की सरकार थी, मुफ्त में दवाई दी थी, मुफ्त में इलाज हुआ था, उस योजना को वसुंधरा जी ने बंद किया, मोदी जी ने बंद किया, उस योजना को हम फिर से चालू करने जा रहे हैं। मुफ्त में आपको दवाई मिलेगी, सरकारी अस्पताल, ऑपरेशन की जरूरत, एमआरआई की जरूरत, एक्सरे की जरूरत, कम से कम पैसा में राजस्थान की सरकार आपका इलाज करवाएगी। तो यह मैं आपको बताना चाह रहा था, बदलाव का समय है। राजस्थान के किसान की, छोटे व्यापारी की, दुकानदार की, दलित आदिवासी गरीब लोगों की, मजदूर की सरकार बनने जा रही है, अंजलि की सरकार बनने जा रही है। सबकी आवाज हमारे चीफ मिनिस्टर मंत्रियों के ऑफिस में गूंजेगी। आपकी सरकार बनेगी, हम आपको अपनी मन की बात नहीं बताएंगे, आपकी मन की बात जो है उसको सुनकर हम आपकी सरकार चलाएंगे। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। आप सब लोग यहां पधारे, सम्मान्य राहुल जी गांधी और हमारे सातों प्रत्याशियों का जो हाथ मजबूत किया, उसके लिए आप सबको और हमारे सम्मान्य सभी नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।